कुमार टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक कदम, आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है। ये देखो सैमसंग E1207Y। तो इसका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी मैं यहाँ बैटरी डालता हूँ तो खाली टॉर्च ऑन होता है, आप देख सकते हो खाली टॉर्च ऑन होता है, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होता है दोस्तों। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। ये वाला जो प्रॉब्लम आपके पास आया, तो हम इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप ये देख सकते हो खाली टॉर्च लगा है, लेकिन मैं मोबाइल ऑन करने जाता हूँ, मोबाइल ऑन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने ये पहले से ही सर्च किया है, ये वाला जो प्रॉब्लम है हम कहाँ से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए मेरे को मोबाइल ओपन करना पड़ेगा। तो देख सकते हो, तो यहाँ टोटल बोर्ड क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये लिक्विड डैमेज ही था, इसके वजह से ही प्रॉब्लम आया था दोस्तों। पहले वर्कर ने इस पर काम करने की कोशिश की है, लेकिन उनको ये वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हुआ है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ एक कॉइल रहती है, कॉइल यहाँ से यहाँ एक कॉइल रहती है, और यहाँ इस साइड में एक कैपेसिटर रहता है, दोनों भी नहीं है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये इस कॉइल को और इस कैपेसिटर को यहाँ ज्वाइन करने का है। ठीक है, तो यहाँ एक कॉइल और एक कैपेसिटर, ये दोनों हमको यहाँ लगाने का है, तब भी ये वाला जो टॉर्च जो शो होता है, ये दो, ये कॉइल और ये कैपेसिटर नहीं है, इसके कारण ही हो रहा है दोस्तों। तो आप इसके पहले भी आपके पास ये वाला प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिला होगा दोस्तों। तो अभी देख सकते हो ये वाला जो प्रॉब्लम है, इस कॉइल को ब्रेक या कॉइल ख़राब होने के कारण ही आता है। तो और एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी देखो खाली टॉर्च ऑन होता है। ठीक है, मोबाइल तो 100% ऑन नहीं होता है उस टाइम। तो ये देखो मेरे पास एक स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड में ये देखो यहाँ एक हेडफोन के साइड में एक कॉइल है, तो इस कॉइल को हम यूज़ करेंगे। तो थोड़ा फ्लक्स लगाते हैं हम, जो आपको ब्लैक कलर दिखने वाली जो है वो कॉइल ही है दोस्तों। तो ये देखो मैंने ये जो स्क्रैप बोर्ड है, स्क्रैप बोर्ड में से निकाल के इस कॉइल को यहाँ ज्वाइन किया है, और एक साइड में कैपेसिटर है, कैपेसिटर भी स्क्रैप बोर्ड में से ही निकालूंगा मैं। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों 100% वर्किंग वाली वीडियो है ये दोस्तों। ठीक है, तो हम इस कॉइल को और एक बार यहाँ रिवॉल्व कर देंगे, फ्लक्स लगाते हैं थोड़ा। देख सकते हैं हमें इस कॉइल में, कॉइल को मैंने रिवॉल्व कर दिया, और ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को भी हमें लगाने का है दोस्तों। थोड़ा काम क्रिटिकल है दोस्तों, पर ट्राई करने से इसे आसान भी नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने जो स्क्रैप बोर्ड में से निकल के एक कॉइल और ये जो साइड में कैपेसिटर है, कैपेसिटर को ज्वाइन किया है, तो थोड़ा गर्म है। तो अभी अभी देखो हमारे जो टॉर्च ऑन हो रहा था, टॉर्च नहीं ऑन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो अभी देख सकते हो मोबाइल ऑन होना चाहिए। तो ये देखो जो हमारा मोबाइल डेड था, मोबाइल अभी ऑन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टॉर्च ऑन हो रहा था, टॉर्च भी ऑन नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो
तो हमने क्या किया, इस स्क्रैप बोर्ड में से कॉइल निकाल के और कैपेसिटर ज्वाइन करके जो हमारा प्रॉब्लम है सॉल्व किया दोस्तों। तो और एक बार दिखा तो आपको, ये देखो यहाँ एक कॉइल रहती है, इस कॉइल को मैंने और ये इस कैपेसिटर को चेंज किया, चेंज करने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ क्लीन कर देंगे। दोस्तों ये वाला प्रॉब्लम आपके पास और कई बार आया होगा, लेकिन जो आपको मालूम नहीं है, ये जो कॉइल है, कॉइल वीक होने से भी प्रॉब्लम आ सकती है जो टॉर्च ऑन रहता है। मेरे को एक बार कमेंट आई थी, लेकिन मेरे पास ये वाला सॉल्यूशन नहीं था, इसके लिए मैंने अभी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया बाद में वीडियो निकालने के लिए। फिर से मैंने इस पार्ट को वहाँ से ओपन कर दिया, तो अभी देख सकते हो टॉर्च तो नहीं लगाए, तो 100% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों मैं मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में। ठीक है, थैंक यू।